दोस्तों, अगर जो आप भी फंटेसी करना चाहते हैं, फंटेसी एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और उसमें एक पैसा लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आज ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं आज आप लोग का ही कमेंट देख के ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग का ऐसा कमेंट भी आ रहा था कि सर ये ऐसा कोई एप्लीकेशन लेके आइए ना जहाँ से हम पेटीएम से भी पैसा निकाल सकें और वो पेटीएम के थ्रू ही हो, ठीक है। तो दोस्तों उसमें और भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पेटीएम में भी एक ऐसा वहाँ पर फंटेसी का ऑप्शन दिख रहा है, उसके बारे में प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर जो आपको अगर जो आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे टेक गुरु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे भाई हर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको यहाँ पे पेटीएम का एप्लीकेशन आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक जो ऑप्शन आता है यहीं पे बीच में आपको नीचे देखने को मिलेगा 5 करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 5 करोड़ का फंटेसी क्रिकेट है, बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो यार मैं आज इसी टॉपिक बात बता देता हूँ आपको कि कैसे इसमें फंटेसी करना है, ठीक है, ये बता देता हूँ। साथ ही साथ एक और कमेंट देखने को मिल रहा है कि सर पेपाल अकाउंट कैसे बनाए। यार मैंने बताया है, ऑलरेडी बताया है पेपाल अकाउंट कैसे बनाए, अगर आपको नहीं भी पता तो आप वीडियो के नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जाके आप देख भी लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है इसमें फंडेसी करने के लिए, आपको यहाँ पे विन विन 5 करोड़ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउजर शेयर कर लेना है, या तो इसके लिए मैं एक क्या आपको सही से वो बताऊँ तो एक इसका एप्लीकेशन आता है जिसका नाम है यहाँ पे देख लीजिए पेटीएम फर्स्ट गेम्स, ठीक है ये है। अब जब इसको आप डाउनलोड कर लोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे क्या होगा, इसको जब आप डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करने के बाद क्या होगा दोस्तों इसमें कि आपको 50 रुपये आपको वेलकम बोनस के तौर पर मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको उसमें पैसा भी लगाना है। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा है, ये है पेटीएम फर्स्ट एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं इसको ओपन भी कर लेता हूँ। दोस्तों लॉगिन करने के लिए आपके अगर जो मोबाइल में पेटीएम ऑलरेडी लॉगिन है तो आप वहाँ पर लॉगिन ईजिली आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको आपको पेटीएम में वहाँ पर न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको किस तरह से पैसा लगाना है। आप जब ऐसा स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले तो ये आपका बैलेंस है, मतलब इतने पैसे बैलेंस में ये आप चेक कर लीजिए कि आपका ये पैसा पेटीएम फर्स्ट एप्लीकेशन में या फिर पेटीएम में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सबसे पहले तो ये दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है पेटीएम वॉलेट में मेरे इतना पैसा है और पेटीएम फर्स्ट में मेरे इतना पैसा है, ठीक है। ये जानकारी आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर जो आप ये चाहते हैं कि यार पैसा मतलब ऐसा ना हो मेरे आपके पेटीएम से कट जाए, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको जो मैच होता है, मैच में पैसा किस तरह से लगाते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जब नीचे स्लाइड करेंगे तो स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फीचर्स गेम, ठीक है, फीचर्ड गेम। यहाँ पे देखिए फंटेसी क्रिकेट और भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे फंटेसी क्रिकेट पे ही क्लिक करना है अगर जो आपको फंटेसी लगाना है, इसमें पैसा लगाना है और जितना है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे टोकन के थ्रू भी पैसा, ये जो ये फ्री लीग है, फ्री लीग में पैसा आप जीत सकते हैं, 100 रुपीज़ प्राइज बोल इसका, और ये जो है 5 पेटीएम एंट्री फीस है, ठीक है, ये भी आपको करना है। इसमें आपको क्रिकेट और फुटबॉल दोनों देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको दोस्तों ये देखिए मैच का है, कौन सा मैच है, MFBF PGL, ठीक है। उसके बाद KKBF LQ, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे प्राइज जो आते रहते हैं, ऐसे ऐसे लीग आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो इसके बाद अभी आपको जो आपको कोई ऐसा लीग लगाना है तो आपको यहाँ पे व्यू मोर करना पड़ेगा। व्यू मोर करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए टोकन है, फ्राट कॉइन है, और फिर और भी बहुत सारे हैं, 3 हैं, 10 हैं, और यहाँ पे देखिए फ्राट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट टीम कर लेना है। क्रिएट टीम करने के लिए आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। अब आपको कितने कितने क्या क्या लेने हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए विकेट कीपर आप 1 से लेकर 4 तक ले सकते हैं, बैट्समैन आपको 3 मिनिमम और हाईएस्ट 6 लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये यह हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 1/4 मतलब ऑलराउंडर आपको 1 से लेकर 4 तक लेना है, और फिर उसके बाद नीचे बॉलर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको दोनों तरह का बॉलर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पे देखिए ये चीज़ आपको ध्यान देकर रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जो से मैच रहेगा, जैसे अभी जो मैच है MFBF PGL, तो आपको ये चीज़ नीचे ध्यान देना है कि कौन से तरफ का बॉलर है, मतलब MF का है या PGL का है, ठीक है। आपको यहाँ से देखिए PGL, MF, FR के बारे में आपको देखने को मिल जाएंगे। सेम टू सेम ऑलराउंडर में भी है और बैट्समैन में, विकेट कीपर में सेम टू सेम है। अब देखिए यहाँ पे मैं मैच ले लेता हूँ। देखिए मैंने इन लोगों को लिया, हैदर अली, मैंने इन सबको ले ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ आगे, ठीक है।
ये मैंने लिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलराउंडर ले लेता हूँ, एक ले लेता हूँ, तनवीर, इमरान ताहिर, वाहिद रियाज, हसन अली, उस्मान कादिर। ठीक है, अब ये मेरा 11 जो है अप हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरा 11 अप हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरा 11 जो है अप हो गया, और यहाँ पे मेरा पॉइंट इतना था। आपको स्क्वाड प्रीव्यू करना है तो आपको यहाँ पे स्क्वाड प्रीव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्वाड प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कैप्टन, वाइस कैप्टन, जो कि हर एक फैंटेसी एप्लीकेशन में होता है। ठीक है, बहुत सारे फैंटेसी एप्लीकेशन में ऐसा भी होता है कि केवल आपको कैप्टन चूज करना है, उसमें वाइस कैप्टन नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे मैंने एग्जांपल में दिया है कि ऑलरेडी मैं इस ऑफ एप्लीकेशन का रिव्यू भी कर चुका हूँ। मैं आपको नाम बताना चाहता हूँ, जैसे हाला प्ले। ठीक है, हाला प्ले में केवल आप कैप्टन ले सकते हैं, वाइस कैप्टन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कैप्टन वाइस कैप्टन चूज कर लेना है, जो भी आपको कैप्टन वाइस कैप्टन रखना है। तो मैं यहाँ पे कैप्टन कैप्टन और वाइस कैप्टन मैं रख ले रहा हूँ, उसके बाद सेव टीम कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं दोस्तों सेव टीम करने के बाद ओके कर देता हूँ। उसके बाद अभी मुझे कौन सा टोकन लगाना है, मतलब मुझे इंटरफेस ये वाला लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक बार फिर से इस पर क्लिक करता हूँ, ज्वाइंट कॉन्टेस्ट पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे वॉलेट में जो है 7 पॉइंट है और 9 पॉइंट है, और 9 पॉइंट होने के बाद 7 पॉइंट मेरा ये बचा है। ठीक है, 7 पॉइंट लगा देता हूँ, उसके बाद ये कॉन्टेस्ट मेरा सक्सेसफुल ज्वाइन हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको जब कोई भी मैच लाइन पर पाएगा, लाइन पर पाने के बाद आपको इसमें टीम एडिट किस तरह से करना है, मैं वो आपको वो भी बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आने लगा कि सर इसमें टीम एडिट किस तरह से किया जाएगा। अब आपको क्या क्या करना है, आपको यहाँ पे माई टीम पे क्लिक कर देना, माई टीम पे क्लिक करने के बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब जब यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, और फिर उसके बाद अगर जो आपको स्क्वाड में कुछ भी करना है तो आपको यहाँ पे सीधा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो बैक जा सकते हैं। दोस्तों ये रहा पैसा उगने का, फिर लाइव कर सकते हैं आप, अगर जो आप कोई भी मैच लाइव हो तो लाइव आप जो कॉन्टेस्ट किए हैं लाइव यहाँ पे कर सकते हैं। तो आने वाला तो यहाँ पे अपकमिंग दिखा देगा, फिनिश तो फिनिश दिखा देगा। मैं यहाँ पे आपको अपकमिंग दिखा देता हूँ, जो कि मैंने अभी मैच लगाया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है पैसा, और जो अगर जो आप इसमें कोई भी पैसा जीतते हैं, जीतने के बाद वो पैसा आपको सीधा वॉलेट में जाता है, वॉलेट से आप विड्रॉल कर पाएंगे, मतलब आपको ये सीधे पेटीएम अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा पेटीएम थेफ्ट एप्लीकेशन में फंटेसी करने का तरीका। दोस्तों अगर जो आज का वीडियो आपको लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मैं